हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बाद अब बारी कैबिनेट के गठन की है और इस पर ही लगातार मंथन चल रहा है। मनोहर सरकार की नई टीम में कौन कौन मंत्री होंगे इस पर ही पेंच फंसा है, क्योंकि इस बार जहां जेजेपी ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल कराना चाहती है, वहीं बीजेपी के लिए निर्दलीय भी सरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि कई निर्दलीय बीजेपी आलाकमान के काफी नजदीक है और हाथ पैर मार रहे हैं। ऐसे में मनोहर सरकार का कैबिनेट गठन बीजेपी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। हरियाणा सरकार में जेजेपी का दखल कितना होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके मंत्री कितने हैं। हरियाणा में 90 सदस्य विधानसभा है। नियमों के अनुसार राज्य में कैबिनेट के मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है। हालांकि जेजेपी के समर्थन से पहले ही निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इस तरह से बीजेपी के सामने जेजेपी के साथ निर्दलीय विधायकों को भी साथ कर रखना काफी चुनौतीपूर्ण है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल को लेकर शहमात का खेल चल रहा है। इस बार हरियाणा सरकार पूरी तरह से बीजेपी की नहीं है। बीजेपी को जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को साधना होगा, क्योंकि दोनों का ही समर्थन सरकार को प्राप्त है। नए मंत्रियों के चयन के दौरान बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक समीकरण साधने के साथ साथ जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की हिस्सेदारी तय करने की है। डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी सबसे बड़ी सरकार की सहयोगी है। हमारे सूत्र बताते हैं कि जेजेपी उप मुख्यमंत्री के अलावा 2 कैबिनेट और 2 राज्यमंत्री के पद मांग रही है, जबकि बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम के अलावा सिर्फ 1 कैबिनेट और 1 राज्यमंत्री देना चाहती है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जेजेपी को मनाने के लिए बीजेपी उनको 1 राज्यसभा सदस्य का ऑफर भी दे रही है। इस तरह से दुष्यंत को साध कर रखना चाहती है बीजेपी। साथ ही बीजेपी उन विधायकों को भी मंत्री बनाने को तैयार नहीं जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं को हरा कर विधायक बने हैं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया बिना किसी तकरार और टेंशन के कंप्लीट हो, इसके लिए बीजेपी हाईकमान लगातार प्रयास कर रहा है और दुष्यंत चौटाला से बातचीत कर रहा है, लेकिन बात बन नहीं रही है। बीजेपी की प्राथमिकता है कि जेजेपी के अलावा कई निर्दलीय विधायकों को भी कैबिनेट में जगह दी जाए, क्योंकि निर्दलीय विधायकों को भी साधना चाहती है बीजेपी। वो नहीं चाहती कि निर्दलीय किसी भी तरह से उससे दूर हो, क्योंकि इन्हीं के जरिए वो जेजेपी को संतुलित कर पाएगी। हरियाणा में 7 निर्दलीय विधायक जीत कर आए हैं और उन्होंने ही सबसे पहले बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि इन विधायकों को संतुष्ट रखा जाए। ऐसे में बीजेपी अगर निर्दलीय विधायकों को कैबिनेट में जगह देती है तो गैर जाट नैनपाल रावत की किस्मत खुलना तय है। इसके अलावा निर्दलीय जाट विधायकों में से रोहतक की महम विधानसभा से विधायक बलराज कुंडू और दादरी से विधायक बने सोमवीर सांगवान का मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। दोनों पहले से ही बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और बीजेपी के काफी सीनियर नेता रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत कराई। ऐसे में इन तीनों की किस्मत खुलना लगभग तय है। इन तमाम वजहों की वजह से बीजेपी की नई सरकार गठन में देरी हो रही है। बीजेपी के कई नेता इस मामले में माथापच्ची कर रहे हैं और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हुआ। जैसे ही कोई अपडेट होगा तुरंत हम आपको जानकारी देंगे।